धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल का बसा बसाया घर उजड़ गया है। ईशा की 12 साल की शादी टूट गई है। ईशा अपने बिजनेसमैन पति भरत तख्तानी से अलग हो गई है। कल ईशा और भरत ने मीडिया में एक बयान जारी कर कह दिया कि दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं। ईशा पति का घर छोड़कर हेमा के बंगले में शिफ्ट हो गई है। ईशा के तलाक की खबर आम लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। इसी बीच लोगों ने ईशा की तलाक के लिए हेमा मालिनी को दोष देना शुरू कर दिया है। लोगों का कहना है कि जिस तरह हेमा ने धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर का बसा बसाया हुआ घर तोड़ा, आज वही उनकी बेटी के साथ हो रहा है। एक यूजर ने इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा है, माँ की करनी का फल। वही दूसरे ने लिखा है, हेमा और धर्मेंद्र ने शादी करते हुए नहीं सोचा था कि वो अपनी पहली पत्नी और बच्चों का दिल तोड़ रहे हैं। माँ बाप के कर्म बच्चों को चुकाने पड़ते हैं। मैं आशा करती हूँ कि ईशा के पति को दूसरी लड़की मिल जाए, यही असली बदला होगा। तीसरे यूजर ने लिखा, जब माँ बाप ऐसी हरकतें करते हैं तो कहीं न कहीं बच्चों पर उनके कर्म दिखते हैं। एक और बोला, धर्म जी के पाप बेटी के सामने आए हैं। ईशा की शादी टूटने के लिए लोग धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के कर्मों का हवाला दे रहे हैं। ईशा ने साल 2012 में भरत से शादी रचाई थी। दोनों की ये लव मैरिज थी। बचपन से ही भरत और ईशा अच्छे दोस्त थे। दोनों की जोड़ी बहुत सुलझी हुई मानी जाती थी। किसी को नहीं लगता था कि दोनों यूँ तलाक ले लेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से साल 1980 में शादी रचाई थी। तब उनकी पहली शादी को 26 साल बीत गए थे और धर्मेंद्र 4 बच्चों के पिता बन चुके थे। सनी, बॉबी, अजीता, विजीता सभी बड़े हो गए थे, लेकिन धर्मेंद्र हेमा मालिनी पर दिल हार गए और उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल करके हेमा के साथ दूसरी शादी कर ली, क्योंकि हिंदू धर्म में एक ही शादी जायज है। इस शादी से धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर और बच्चे बहुत नाराज थे। आज भी धर्मेंद्र की दोनों पत्नियों के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। प्रकाश कौर ने कभी भी हेमा की शक्ल नहीं देखी। ईशा की शादी टूटने पर लोगों का कहना है कि हेमा ने जो प्रकाश कौर का घर तोड़ा, वही हाल आज उनकी बेटी का हो गया है। फिलहाल इस पर आपका क्या कहना है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताए। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।